हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन अदर ब्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे। और बस मैं भी बेड पे हूँ, टाइम हुआ है 6:30 बजे हैं शायद, और बाहर हो रही है बारिश, और आज है मेरा बर्थडे, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और रात का सारा प्लान चौपट हो गया क्योंकि मुझे ना फीवर था, और एकांश ने बेचारे ने पूरी डेकोरेशन वगैरह करी हुई थी, और मैं उठ ही नहीं पाई। फिर मेरी मतलब मैंने टेबलेट्स लेके सो गई, और फिर उसने उठाया भी नहीं, उठाता गया, मैं उठती भी नहीं। मेरे को मतलब इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, मैंने सोचा सो जाती हूँ, कल का तो कम से कम अच्छा जाएगा दिन, तो मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। तो चलो डेकोरेशन देखते हैं कैसी करी है, क्या करा है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल सिंपल, और कहीं कुछ गंदा नहीं करा, क्योंकि मैंने ये तो बोला था, मैंने कहा पेंट कराया अभी। फिर ना यार टेप से ना अजीब से निशान हो जाते हैं, कुछ कुछ भी चीज़ आप चिपकाओ वॉल पे, तो इट्स रियली रियली नाइस, बहुत सुंदर। आप कमेंट करके बताना, मतलब लड़का इतनी डेकोरेशन कर दे तो बहुत सही हो जाता है। बेचारे ने बलून भी काफ़ी सारे फुलाए हुए हैं, आई लव इट, थैंक यू गाइस, थैंक यू बोथ ऑफ यू। अभी दोनों ही सोए पड़े हैं, और यहाँ पे बेचारा पूरा कैंडल वेंडल दोनों रख के तब सोए थे कि सब चीज़ें सब चौपट हो गया, बट कोई नहीं, मैं फ्रेश हो गया थी, नहा के आती हूँ, फिर केक कट करती हूँ। मैं एकदम रेडी हूँ अपने केक कटिंग के लिए, और कमेंट में बताना कि कैसी लग रही हूँ। ये आउटफिट प्रवेश ने अभी मेरे को दिया है सुबह सुबह, तो मैम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और ये आपको जो इयररिंग दिख रहे हैं ये मम्मी ने भेजे हैं, क्योंकि कांश आया था ना कल घर से, तो वो लेकर आया, तो सुबह सुबह गिफ्ट्स मिल गए हैं। और बाकी मैं एकदम रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे केक कट करना है, और मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि रात को मैं मिस कर गई हूँ। सो कमेंट बिलो कि कैसे लग रही हूँ मैं। तो अब दोनों सेटअप करने में लगे हुए हैं, ले आओ भाई फटाफट केक। दोनों नींद गाए जा रहे हैं, इधर आओ। तो ये रहे मेरे गिफ्ट्स, इन्हें बाद में खोलेंगे आराम से, अब यार सुबह सुबह का टाइम है तो चेंज करके घर के सारे काम भी करने हैं। सो गाइस, अभी मैं चेंज करनी है अपने और आगे अपने अवतार में, लेकिन आज प्रवेश, आज मैंने ही बोला था मैं किचन में नहीं जाऊंगी यार एक दिन अपने लिए कम से कम, और मुझे खाने हैं आलू के पराठे। तो प्रवेश बनाने मेरे लिए, मैं दिखाती हूँ क्या करनी। खोलो, खोल दो दरवाजा, बिल्कुल ताला वाला लगा के ऐसे क्या कर रहे हो। देखो भाई, आलू रख दिए हैं, चीजें तो चलो मैं रख के गई थी, यहाँ आटा, इधर पानी गरम इसके लिए, ओफो देखी जी यार तो क्या ही होगा। तो आज आज ये आइडिया कहाँ से आया आपको? सुबह सुबह ला देते हैं यार बना के, तैयारी कर लो फिर आना। ओके, और यहाँ आप शायद तीनों आलू के पराठे रेडी हैं, परेश शेफ, और मेरे को ये कह रहे हैं यार कमर टूट गई मेरी। साई शेफ बोलो। तो आज आप, तो आप ये कर रहे हो कि कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में? मेरा तो मोस्टली यही निकल जाता है दिन सारा। तो आपने पूरा दिन कहा था आज पूरा दिन? इतनी मेहनत किसी चीज में लगती सही में, किसी भी चीज में। और खाने में तो एक मिनट लगती है, और कई बार नमक डालना भूल जाए तो आप कैसी रिएक्शन देते हो? नमक तो डाल रही नहीं। सबसे आसान है पैसा कमाना, और बाकी सब काम ओफ
चलो बनाओ, मूली का बना दो फटाफट। किचन तो आप देख रहे हो, बाद में मुझे समेटना है। सभी इतना तो करते ही हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, ये पराठों पे ही किचन देखी जाएगी। हाँ मेरा परांठा बनके एकदम रेडी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। रुका भी नहीं जा रहा मुझसे, तो सही बताऊँ तो देखो कल करा रहे बिल्कुल। और एक एक मूली का बना रहे हो ना, तो अपने हस्बैंड से पराठा बनाने की फरमाइश करे तो कुछ ऐसा हाल भी होता है बैग में। किचन की हालत देखो, पर पराठे उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं। देखो बहुत सारे मूली, आलू प्याज दो तरह के। वेदर इतना बढ़िया है, सुबह सुबह बारिश हो रही है और मस्त हवा चल रही है। बट ये है कि बारिश में यार आने जाने में थोड़ा सोचना पड़ता है कि कहाँ जाए क्या करें, बट इतना ठंडा मौसम हो रखा है, मस्त एकदम। और मस्त मौसम में भी लेकिन गर्म गर्म बात बने बनाए आलू के पराठे यार, पता है मतलब मेरी ना भूख सी नहीं है। जब खुद रोटी बनाते हैं ना तो खाने के दिल नहीं करता था, बहुत बार तो मेरा नहीं मन करता है। लोगों के साथ भी ऐसा होता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर। तो यहाँ आज हम इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं, कांच से पूछते हैं कैसे बने, कैसे लग रहे हैं तेरे को पराठे। बस इतना ही करना आता है। परवेश भी नहीं, परवेश से पूछो। तो तनु से पूछते हैं कैसे बने पराठे, बता तो दे। सच्ची बोलूं मतलब पराठे हमने एक दो बार और भी खिलाए, एक दो बार नहीं काफी बार बनाए, लेकिन इस बार के इतने बढ़िया बने ना आज तो मस्त। यहाँ जी कह रही है एक दो बार नहीं तो फिर पीछे से कहेगी एक ही बार दिया था तब दिया था, उसके बाद तो कभी नहीं। पराठे तो तीन चार बार बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। गुस्सा हो जाती तो पराठे बना के डालते थे, याद है, भूल गया। मूली का पराठा मैंने खाया नहीं वैसे, क्योंकि मुझे आलू का पराठा खाना पसंद है ज्यादा, तो आलू का पराठा बहुत अच्छा। आलू प्याज करो। तो मैंने यहाँ अपने सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं। ये है मम्मी के गिफ्ट, एकांश की ड्रेसेस, ये परवेश के, तो मैं आपको दिखाती हूँ सारे। तो अब एकांश खोल रहा है क्योंकि भाई मैं ना थक गया हूँ सच। स्मूथली ये तो कुछ रहन दे यार, ये ना डेकोर की चीजें भेजी है मम्मी ने, तो बस आप ऐसे ही डेकोर करूंगे ना, मैं नहीं निकाली मत, जब मैं डेकोर करूंगी ना तभी दिखा देंगे। रख दे, इन दोनों में यही है तो मैं ये अभी नहीं दिखाऊंगी आपको। कपड़े दिखा दे, ये इसके ऊपर रख दे दो, बस इसमें ये दिखा दे तू। ये है मेरी वॉच जो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगी, परवेश ने कराया है। आई रियली लाइक इट। कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। इसको वापस ऐसे में पैक करके उसमें रख दे भाई। ये कांच लाया, तो ये तो मैंने पहन ली सुबह, केक कट करा, ये वाला ड्रेस है, ड्रेस ही है यार ये कुछ ये लाया कुछ ये परवेश लाया, तो सब कुछ बढ़िया है। सो गाइस सुबह से जो भी किया, केक कट किया, ब्रेकफास्ट किया, वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा, और ब्लॉग पूरे दिन का काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए दो पार्ट्स में डाल दूंगी मैं, तो ज़्यादा सही रहेगा और उससे आप मुझे सेम डे विश भी कर पाएंगे, मतलब आज बर्थडे है तो मैं उसी का ब्लॉग टाइम से डाल दूंगी, तो मुझे भी अच्छी अच्छी फील होगी, बर्थडे विशेज आएंगी, सभी को होती हैं यार, जनरली सी बात है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज जो अभी तक भी इंस्टाग्राम पे भी आ रही हैं, और जहाँ जैसे भी आप कर रहे हैं फेसबुक से या यूट्यूब से जैसे भी, थैंक यू सो मच। एंड ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वही मेरा गिफ्ट है। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।